तो देखिए भाई, आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम और कोई भी मतलब कमर का दर्द, तो उसके लिए मामूली सा इशारा भर होता है। देखिए किस प्रकार झटका मारते हैं, झटका नहीं कह सकते हम इसको, बिल्कुल इशारा हा करते हैं। और बिल्कुल ये देखिए, ये देखिए, तो ये अब इनको जो तकलीफ थी उसमें 50% राहत मिल जाती है एकदम से। और फिर उसके बाद में ये मालिश करते हैं पैरों की और नसें दबाते हैं, फिर वो पूरा मतलब उनको पूरा आराम मिल जाता है। तो देखिए और भी दूसरा भाई आ रहा है, इनसे भी पूछेंगे हम लगातार। कहाँ से भाई साहब आप? भिवाड़ी से है भाई। क्या समस्या है? घुटनों में और कमर में दर्द है भाई। कितने दिन से? ये करीब 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। आज पहली बार आए हो गए? हाँ पहली बार आए। पहली बार आए हो? ये दर्द से फिलहाल? हाँ फिलहाल दर्द है। अच्छा, तो देखते हैं भाई, अब दर्द है फिलहाल इनका। और एक मामूली सा 30 सेकंड से भी कम, 10 सेकंड का ही मामूली सा झटका होता है। और ये आप घर पे ना करें, बहुत खतरनाक हो सकता है, आप कोई भी नुकसान कर सकते हैं, इसलिए कोई घर पे ऐसी ना करे कोई भी। तो ये लीजिए। और घूम के देखें भाई साहब, फिर पूछेंगे आपसे। एक और बहन जी आ रही है, इनसे भी पूछेंगे हम क्या समस्या है। अजी आपको क्या समस्या है? मेरे कमर में भी तकलीफ है, दोनों घुटने में भी। कितने दिन से? 3-4 साल। पहली बार आए हो आप? हाँ। कहाँ से आए हो? भिवाड़ी से। भिवाड़ी से, चलो देखते हैं बहन जी का भी। तो अभी घूम ले भाई, उठ की घूम ले, घूम आंड फिर। हाँ थोड़ा घूम और फिर मैं तेरे से पूछता हूँ। तो ये देखिए भाई, ये इधर पैर इस पोल से बांध दिए जाते हैं एक बार, और पूरा शरीर जो है पूरा शरीर खुल जाता है एकदम से, एक एक नस इस झटके से खुल जाती हैं, गर्दन की, कमर की, रीढ़ की हड्डी की, कंधों की, ये देखिए। तो ये जो है बिल्कुल, अभी पूछेंगे हम इनसे। तो ए बहन जी थी जो उज्जैन से आई थी, आइए एक बार इधर आए, कितना फर्क पड़ा है इनसे पूछ लेता हूँ और फिर इन झटकाने से पूछेंगे। जो उज्जैन से आई थी, हाँ हाँ आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। हाँ हाँ, तो ये उज्जैन से थी बहन जी, इनको देखिए ट्रीटमेंट किया है इनका, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, कितना आराम लग रहा है आपको? अभी तो थोड़ा आराम लग रहा है। थोड़ा लग रहा है। हाँ, दर्द में कितना फर्क है? सिर के दर्द का बताओ। सिर के दर्द तो ठीक हो गया। ठीक हो गया? हाँ, अच्छा हो गया। तो मैं सिर का दर्द पूरा ठीक हो गया। अच्छा, तो कहाँ पर दर्द है अब फिलहाल? अभी खाली यहाँ है। यहाँ है? अच्छा, तो अच्छा हो गया। यहाँ अच्छा हो गया, कमर अच्छा हो गया। हाँ। सिर का दर्द ठीक हो गया। हाँ, तो यहाँ ये थोड़ा नीचे थोड़ा सा। हाँ, रहेगा। हाँ, हाँ, तो ये अब घूम, ये तो इतना तो थोड़ा बहुत जो करा है ना, दबाया है। हाँ। उसका थोड़ा बहुत रहेगा, तो बाकी तो ठीक होगी ना अब। हाँ, ठीक। हाँ, तो ये बात है, यानी कि थोड़ा और ज्यादा नहीं होता, जब सिर का दर्द में तो है नहीं, सिर का दर्द गायब, कमर का दर्द गायब। हाँ, तो अब थोड़ा सा पैर में है, वो दबाने की जो नस दबाई है ना, उसका उसका दर्द रहेगा बिल्कुल। हाँ अच्छा, पैर का भी थोड़ा रह भी रहा है, कह रहे हैं भाई जी। हाँ। कि हाँ पिंडी पिंडी में रह रहे। हाँ, तो एक और भाई से, यो कहाँ से इससे पूछते हैं, आप कहाँ से भाई? मसूदपुर से हूँ जी। अच्छा, आपका क्या समस्या है? समस्या पीठ मर पैर मर सारी। अच्छा, तेरे पता मुड़े है कौन जाता, सीधा है कौन आ जाता? पूछो। अच्छा, आज दूसरी बार आएगी? हाँ, पहले आ लिया था, दोबारा दोबारा है। चलो देखते हैं भाई, इसका एक दिन पहले आ लिया, आज दोबारा आया है, तो कितना आराम होता है इसको, जमा दो रहा हो रहा भाई। तो आइए भाई, तब तक बात कर रहे थे भाई साहब, आइए। ये भाई इन्होंने अभी झटका लगा, झटके कमर के दर्द में बताएं कितना आराम लग रहा है आपको? अभी तो भाई साहब ठीक है, थोड़ा है। अच्छा, रिलीफ महसूस है, रिलैक्स है। अच्छा, यूँ घूम के देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो घूम के ठीक है, अब कमर का दर्द नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो उनसे और पूछते हैं बहन जी से। तो भाई देखिए, ये मामूली सा इशारा भर
दस सेकंड का ही सारा भर जो होता है उसमें ही इतना रिलीफ हो जाता है। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत और ट्रीटमेंट करते हैं पैरों से, कमर की जो मालिश करते हैं वो भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेट करके भेजें भाई यहाँ से। जो पहली बार भी आओ है वो बाकायदा 10 बार पूछता है, बता कहीं दर्द रह रहा बाकी, बता कहीं दर्द रह रहा बाकी। तो अभी तो झटका झटका लग गया, अभी इनका ट्रीटमेंट और बाकी है। पूरी तरह से अंदर ले जाके ट्रीटमेंट करेंगे इनका, पूरा देंगे इनको, एक्यूप्रेशर वगैरह, नसें दबाएंगे, मालिश करेंगे, मशीन से भी करेंगे, तेल की भी करेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ करके भेजने का प्रयास होता है इनको पहली बार में ही। और वैद्य लीलाराम जी से भी आपकी बात कराऊंगा, और बहुत से भाई और बहुत घने मरीज आए रहे, लगातार आते रहेंगे पूरे दिन भाई। सुबह सुबह का टाइम, हम सुबह थोड़े जल्दी आ गए थे। बताते हैं आप लोगों को, राम राम भाई। राम राम साहब, आप कहाँ से? मैं डाणीमाऊ से हूँ। डाणीमाऊ से? डाणीमाऊ जिला भिवानी से। हाँ जी, अच्छा। क्या नाम है? अपना अजय शर्मा नाम है साहब। क्या समस्या थी आपको? समस्या मेरे डिस्क प्रॉब्लम थी साहब। कितने दिन थे? जब मेरे 6-7 महीने से ज़्यादा थी। मैं काफ़ी जगह दिखा के आया था, खाने गांव एक वहाँ दिखा के आया था, एक किराउड गांव है भिवानी में वहाँ दिखा के आया था, गुड़गांव में भी दिखाया था, पर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही थी। फिर ये चैनल के माध्यम से मेरे को सूचना मिली थी। अच्छा। फिर मैं यहाँ पे आया था, आज मेरे को लगातार 3रा दिन था। अच्छा। तो आज मैं अपने आपको बिल्कुल फिट सा महसूस बिल्कुल बिल्कुल अब तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को चैनलकार साहब लीलाराम साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे को बिल्कुल ऐसा किया, जो मेरे को बीमारी बिल्कुल महसूस नहीं लग रही है। साहब का और साहब की टीम का पूरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये मतलब बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी? बैठने उठने में दिक्कत थी। फिर मैं आधा घंटा कंटिन्यू बैठा रहता था। हाँ। तो मेरा ऐसा लगता था पता नहीं कि ना भारी वेट रख दिया हो। अच्छा। अब मैं बैठ के भी देखा है, लेट के भी देखा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं। प्रॉब्लम अभी तक तो 3 दिन में ही आप बिल्कुल रेडी हो गए? बिल्कुल 3 दिन गुड़गांव से दौड़ दौड़ के आया हूँ। अच्छा, अभी दूर से आप जब सफल हो गया सब। हाँ बिल्कुल, हाँ बात यह है, चले जाएं और इलाज न हो, हाँ फिर तब दिक्कत होती है बिल्कुल महसूस। लेकिन जब आना जाना सफल हो जाता आदमी का बिल्कुल। तो वैद्य लीलाराम जी के बारे में दो शब्द बताएं, क्या कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को सारी टीम का इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। टीम भी बहुत अच्छी बना रखी है साहब ने, ये ऐसे काम करते रहे, समाज का बिल्कुल सहयोग करते रहे, समाज इनके लिए सदा तत्पर, इनका दिल से धन्यवाद करता है। लंबा साहब, हमारे घर डाणानंद स्थान पर पहुँचने से आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और भाइयों को आपके कमेंट्स के माध्यम से बताता हूँ, जो मैंने इलाज कर रखे 1-1.5 लाख आदमी जिनका मैंने ऑपरेशन से खाट के ऊपर पड़े थे और उनका बेल्ट बांध रखा बिल्कुल रेडी एकदम से, 1-1.5 लाख आदमी बिल्कुल जमा ऐसे जो बेड के ऊपर पड़े थे आज वो बिल्कुल ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। पहले तो मैं भाई सबसे प्रार्थना करता हूँ, लंबा साहब के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरा भी चैनल है पहलवान लीला के नाम से। हम गुरुओं के चेले हैं, नुगरे नहीं हैं, हमारे भी पास जो विद्या है ना हमारे गुरुओं की देन है, समझे। ये भाई कहाँ से मेरे को पता नहीं, ये 2 दिन पहले मेरे पास आया था, ये लड़का रो रहा था बिल्कुल बुंडे लड़ा खम पानिया रहा था। मैं बोला बेटा याद रखना, जिंदगी में किसी से मिला था, आज ये लड़का आपके शहर में खड़ा है, और हमारे तो लंबा साहब और कुछ नहीं है, गुरुओं की देन है भाई। लोग नहीं कुछ करे ना गारंटी, देखो यह गारंटी है भाई, या भी गारंटी और गारंटी दिखाता हूँ, मेरी 60 साल उम्र है, प्रण ये थोड़ा बिल्कुल गारंटी है साहब, ये बार दिखाइए भाई, 60 साल उम्र है मेरी, मैं गारंटी दिखाता हूँ आज आपको। कितनी बार ये देख लो भाई, कौन सी बार आए हो आप आज यहाँ? मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ, चौथी बार आए हो। आज मैं अपनी गारंटी दिखाता हूँ, 60 साल की मेरी उम्र है, और मैं गारंटी दिखाता हूँ, दिखाना भाई। ये देखिए भाई, मोर बन गया, ओहो भाई कमाल हो गया। ये देख लो भाई, ये देखो, ये 60 साल की उम्र का बच्चा जा रहा है, देख लो बालक ये कमा गया भाई, इसने पहले मानना भाई कोई नहीं होती है ये प्रैक्टिस, और इतनी देर चलना और इतना ये शीर्षासन, ये देखिए हाथों के सारे बिल्कुल बिल्कुल जी, वास्तव में पहलवान बोल कमाना सिखेल नहीं, नाम कमाना है, कब इसकी बात नहीं है भाई, गुरुओं की देन है। जी जी जी, हम पहलवान थे हैं और रहेंगे। ये बुढ़ापा आ गया? नहीं नहीं लेकिन नहीं कह सकते बुढ़ापा भाई, देखे आप लोग साहब खागड़ बुढ़ा हो की मर जाए उसको नहीं कहते, अकबर मर गया खागड़े कहेंगे, खागड़े कहेंगे सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे भाई ये बिठा रखे ना, ये देख लो, ये देखियो, ये लाइन में बिठा रखे हैं भाई, इतना कह दी थी ताई भाई इमरजेंसी कोड़े बांध बैठे हैं, लेकिन ये बिठा रखे, ये बांध रखे ना, यो सिस्टम है ना भाई, यो पूरी नसों का सिस्टम जो है, पूरे शरीर की नसों का,
बहुत बढ़िया से रिलीफ कर देगा, जो एक एक नस नस को खोल देगा। ये तरीका है, ये पैर हिलाओगे, हिलाता रहे बैठे की उठा ली, काम लगे रहे। तो ये देखिए, आप कहाँ से? मैं जी बैनी सुरजन से। बैनी सुरजन से। अच्छा अच्छा, आपके क्या समस्या है? पैरों में दिक्कत। पैरों में? कितने दिन पे? 4-5 साल हो गए। पहली बार आई हो आज? दूसरी बार। क्यों फर्क पड़े है कि नहीं? बढ़ लाओ है ताई, तेरी बता, बुढ़ी लुगाई का आराम हो जाए, सोच ले भगवान पर का काम हो जाए। बेटा मेरे तो कोनी काल आए थे, हम आज भी आए हैं, इतना मेरा तो फर्क नहीं। तेरा तो कम फर्क? मेरा कम फर्क। के तकलीफ से तेरे? नु बता। मेरा तो एक गोडे दुख, एक नींद नहीं आई रहा इतना। अच्छा, तो कल कितने यो करवाई गई थी? और भी झटके झटके मारे थे? झटके मारे थे, और सर्वाइकल भी था। अच्छा, कितनी साल थे? कितनी साल थे? मेरा तो घनी साल थे। अच्छा, ये तू घनी साल वाला 2 मिनट में करवाना चाहो थी? उम्र को नहीं जवान तो फट दे कर दे रहे, तोड़ा मरोड़ी करके ठीक भी कर दे रहे। तेरी एक एक नस्का ध्यान रखना पड़ा है, क्यों बुजुर्ग आदमी है तो बुजुर्ग के लिए धीरे धीरे स्लो होता है, तो यू आराम हो जाएगा। इब काले पूछूंगा तू खुद कहेगी आगे आराम से, जो थोड़ा घना फर्क नहीं है। दूसरा आवे को नहीं तू? हां ना, कोनी आऊं? कोनी आवर ने कि में तो फर्क लग गया थोड़ा, तो मेरे पर लग गया है थोड़ा। कई दिन तेरे मुंह तो यह बात थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दोबारा वो आदमी आवा जिसके थोड़ा घना फर्क लग गया, और फर्क नहीं लग गया वो आवे को नहीं, नुका तोड़ा का जंदी मन ने बात, तो इसलिए फर्क लग गया, इसलिए दोबारा आए हैं आप। तो धीरे धीरे करेगा, जवान ना का ज्यादा मालिश कर सके, बूढ़ा आदमी की नस कमजोर होती है, इसलिए दबाव नहीं है दिए ज्यादा। मैं तो 65-66 की हो रही हूँ। 65-66 की हो रही है तो ध्यान रखना पड़ता है, हो जाएगी ठीक। और ठीक हो जाए मन बताओगी ना? और खा माकी सुन? हाँ माकी सुन। चलो बहुत अच्छा, आप कहाँ से हैं जी? मैं पिछोपा कला से जी। पिछोपा से? हाँ जी। आपके क्या तकलीफ है? पैरों में तकलीफ है। अच्छा, ये 58 नंबर ध्यान रखियो भाई, सारे दर्शक देख लो, 58 नंबर आदमी है। किसी ने बता दिया 58 कौन सेट बता देगा, कोई 60 बता देगा, नंबर की कोई हो। ये तो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहली बार आए हो? पहली बार आए। तो चलो ये समस्या आपकी अगली बार देखते हैं, अब कितना रिलीफ महसूस करोगे आप ये भी बताओगे आप। तो झटका सा ही मारा था क्या? हाँ झटका ही मारा था। उसमें कितना गरम? उसमें शरीर खुल गया एक बार तो। खुल गया? हाँ खुल गया ना। खुल गया तो न्यू लग गया है ठीक करते? हाँ, जो भी तो बैठे हूँ। हाँ। नहीं बाज यार ना बाज लू। अच्छा, इनसे पूछा था, ये रह रही है इनसे ही पूछ के, कितना फर्क पड़े आपको झटका मारने? फिलहाल तो ऐसा हो रहा है कुछ ना हो रहा। अच्छा, क्या बात है। कितने दिन तक दर्द हो? 3-4 साल। 3-4 साल से। तो देखिए, जब वहाँ झटका मार रहे थे भाई, गर्दन का मामूली सा झटका होता है 30 सेकंड का, थोड़ा पीछे की बढ़ा। गर्दन में तो थोड़ी सी जकड़न सी है यहाँ पर। हाँ, ये गोटे तो ऐसे हो रहे हैं, सही होगे, रेडी होगे। अच्छा, तो देख लो भाई, हाथों हाथ रिजल्ट मिलने लग रहे हैं, और ये रिजल्ट यूँ को नहीं मिलते। लीला राम जी कहा करे भाई, गुरुआ के चले हमें, नकली को नहीं भाई, न्यू किसी ने देख की न और काम शुरू कर दिया, और लोगों ने लूटना खसुटना शुरू कर दिया। यहाँ तो भाई हाथों हाथ जब तक आराम नहीं हो ना, तसल्ली नहीं गजा मरीज का, इतने जाने को नू का फिर देख भाई, फिर देख, तसल्ली करवा के और फिर भेज जाए, और न्यू का देगा इतने दिन आना है, 3-4 दिन जब रेडी हो जाएगा। तो आपने न्यू बताई कोई होगी तो भाई कई दिन आना है? मेरे ख्याल तो दो एक बरमा, एक बरमा इतना हो गया तो दूसरे मेरे तो टेंशन हो रही है, काली गाड़ी पे चल जाएंगे, मैंने कौन लेके आओगा? ये बीर की गाड़ी खड़ी है बाट में, मैम बुलावा है, मखावा है भाई। फोन कर दिया, ऑटो वाला भज्जा होगा, 200 रुपये लेगा, ले जाएगा और छोड़ भी देगा 200 रुपये। हम और फोन नंबर वीडियो में चल रहे हैं ऑटो वाले के, वो ऑटो वाला का इंटरव्यू से वीडियो देख लीजिए, फोन नंबर ले जी नहीं लड़के हैं, आज ले आओगे घर तक बिठा के गिरी छोड़ के आओगे। तो आइए, एक और बैठी है भाई, आंटी जी नमस्ते जी। नमस्ते, कहाँ से हैं? उगाड़न से। उगाड़न से, आपके क्या तकलीफ थी? पांव था। कितने एक दिन थे? कई भी नहीं आता। कई भी नहीं आता? अच्छा, ईब उरे पहली बार आई आज? काल आई थी। काल आई थी, कितना आराम हो गया तेरा? जमा सही हो गया, जमा रेडी हो गया। अच्छा, ईब कोई दर्द को नहीं? दाऊ खड़ी होगी, देख दिखाया एक बार हैंड फिर की। अच्छा, यो तो दबाने नस दबाई ही उड़े उड़े। हाँ। जड़ा नस दबाई ही उड़े दर्द से। हाँ। बाकी समस कोई चीज लागना, रीढ़ लागना किमे को नहीं? जमा सही होगी, दो बार आनते। हाँ। तो भाई 2 दिन आई है लगातार देख लो। और नाम क्या है तेरा?
निर्मला निर्मला तो निर्मल होगी उड़ान तो जमा। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और भाई देखिए मैं लीलाराम जी से ही बात कराऊंगा, आपके आ जाओ भीतर आ जाओ एक बार। और तो ये देखिए भाई अंदर जो चल रहा है ट्रीटमेंट, और जिनका झटका लगा के बाहर से अंदर लेके आए थे, ये कपिंग हो रही है इसमें, और उधर तो ये अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। और जी कहाँ से आप? बडाली थे। बडाली थे पहली बार आए हो? दूसरा दिन आज। दूसरा दिन की समस्या है? गोड्डा में दिक्कत है। कितने ही दिन थे? 7-8 महीने थे। पहली बार आने तो कितना फर्क पड़ा? आराम है, पहले था पहला था आराम, आज दूसरी बार आया। हाँ तो सर मैंने न्यू बता दो, इतना बढ़िया इलाज करना रहे और फटाफट लोगों ने ठीक करके भेजन ला रहे हो बाई हैंड, फीस कितनी की मोटी लिया करो? फीस तो मरीज बताऊंगे लंबा सर, मरीज तो नुके भाई हम तो किमी दे दिया हूँ ले ले भाई, यही फीस है मेरी। हाँ जी यही फीस है मेरी, जो अपनी इच्छा से कोई देता है ना वो मेरी फीस। कोई मतलब न्यू कौन करा कि भाई 100 लूंगा या 200 लूंगा या 500 लूंगा? पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। मरूंगा जित भी कह के जाऊंगा या बात। अच्छा मांग के किसी से फीस मत लेना। सही बात है, खबात करो कोई। हाँ ये है अगर 2 दिन हमारे को कोई नहीं देता है तो तीसरे दिन हम पकड़ के कहते हैं भैया जो मर्जी है वो फीस दे के जा, ये नहीं है बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, फ्री नहीं है। खबात करा सुबह लाके 5-6 जने हैं तो यहाँ ये कहते हैं भैया अपनी मर्जी से जो भी कुछ देता है ना वो हमारी फीस है, दे के जरूर जा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो देना भी चाहिए भाई, इतनी मेहनत करते हैं और भी सामान भी लगता है सारा, बिजली भी जलती है, बिजली की मालिश करते हैं, तेल भी इतने महंगे महंगे लगाते हैं भाई घर में, ये फिर 5 बंदे सारा दिन, 5 से 6 बंदे सारा दिन लगे रहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जब रिलीफ होते हैं, जब पहली बार आते हैं तो कुछ भी भाई जैसे 100, 200, 300 जितना भी आपका वो है तो ज़रूर देना चाहिए, ये मांग के नहीं लेते हैं। लेकिन वही बात सर, 3 दिन हो जाए लगातार फ्री में करवा दे तो फिर कह भी दें भाई तेरा नंबर को नहीं एक बार और आने दे, तो फिर गलत हो जाता है। आप ठीक होते हैं, आपका ट्रीटमेंट सही होता है, आपके नज़दीक है, पता हम बता देते हैं, भिवानी के पास डाणा नरसान है भाई, डाणा लाडनपुर के पास ही, मात्र 4 किलोमीटर पड़ता होगा भिवानी से। हाँ 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाईपास जो रोहतक से जो बाईपास दादरी को मिलाता है नया बाईपास, उस पे 2 किलोमीटर डेढ़ दो हाँ 2 किलोमीटर वहाँ से पैदल भी आराम से आ सकते, फैक्ट्री के साथ से रोड फटता है, पुल से उतरते रोहतक साइड से आते हैं तो पुल से उतरते ही बाई साइड में रोड वो ही पाटा है, और उधर आप सीधे भिवानी से दादरी रोड पर पलादगढ़ गाँव पड़ता है, पलादगढ़ से भी मात्र 2 किलोमीटर है, तो आप वहाँ कहीं से भी आ सकते हैं। डाणा नरसान लीला पहलवान पूछ लें, गांव में घुसते ही कहीं भी आपको बता देंगे लीला पहलवान का घर, और आप आए भाई हर रोज़ न्यू कोनी छुट्टी है, रोज़ मिलेंगे आपने, हर रोज़ आप आ सकते हैं। के तकलीफ वह तो मैंने बता दी, और पूछ लूँ लंबा साहब? पहले भी बता चुका हूँ अब भी बताता हूँ, सर्वाइकल की हो, डिश की हो, साइटिका की हो, घुटने का दर्द हो, नड़े का दर्द हो, और बहनजियों में जो लेकोरिया की जो दिक्कत है उसकी भी दवाई देता हूँ, और इसकी कोई भी मतलब तकलीफ हो जैसे हाथ पैरों में चीज लग रही है सुन्नापन है उसका भी करता हूँ मैं जी। गैस की बवासीर की भी देता हूँ मैं। तो गैस बवासीर और महिलाओं के लिए लिकोरिया की ये तो दवाई देते हैं अलग से, और जो दर्द के लिए जो शरीर में पेन है या नसें खुलने के लिए अलग से दवाई भी देते हैं साथ में मालिश की इसके साथ में, ताकि जल्दी आप रिकवरी करें, जल्दी आपको आराम हो जाए, और जो नसें हैं बंद हैं रुकी हुई हैं वो जल्दी खुल जाए। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और किसी दुखी व्यक्ति के पास पहुँचे तो आपका भला माने। राम 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 राम। तो भाई यो है भाई ऑटो वाला, और जो भिवानी से आपको डाणा नरसान पहुँचाने के मतलब और भी हैं ऑटो वाले, लेकिन इनका बात करते हैं। राम राम भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है? सतवीर है जी। तो आप कहाँ बस स्टैंड से आते हैं, भिवानी या रेलवे स्टेशन? भिवानी हो, बस स्टैंड हो, कहीं भी खड़े हो, एक बार मेरे पास कॉल करो। 97-28-91-56-56 मेरा नंबर है, आना जाना 200 रुपये। लेके भी आओगे छोड़ के भी आऊँगा, यहाँ चाहे घंटा लगो चाहे आधा घंटा लगो। यानी इलाज करवाने के बाद आप उसको वापस लेके जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। नमस्कार जी। ठीक है, धन्यवाद।